Hi friends, I hope you all are doing well. I welcome you all on this channel Study Cafe. So friends, बहुत important notifications आई हैं CBIC में and they are related to due date extensions. तो वो सारी notification आज हम इस video के through discuss करेंगे. तो ये notifications अगर आपको दिखनी है तो आप e-gazette पे जाके notifications देख सकते हैं, क्योंकि अभी CBIC के portal पे ये notifications नहीं आई हैं, लेकिन e-gazette पे ये सारी notifications आ गई हैं. नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नोटिफिकेशंस का लिंक दे दिया है, वहां से भी ये नोटिफिकेशंस डाउनलोड करके देख सकते हैं. तो सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आया है, इट इज नोटिफिकेशन नंबर 8. सो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है, तो जब हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स अगर हम डिले कर देते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है. तो ये जो नोटिफिकेशन है उसी से रिलेटेड है. तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या एग्जैक्टली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है. सो सबसे पहले तो ड्यू डेट्स एक्सटेंड किस चीज की हुई है, स्पेसिफिकली मार्च और अप्रैल की ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई है. तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि सबसे पहले तो हम उन टैक्स पेयर्स की बात करते हैं जिनका टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा है. तो उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपने अपनी ड्यू डेट से 15 दिन का डिले किया है, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर मैं मार्च की बात करती हूँ, ठीक है, तो मेरी मार्च की जो ड्यू डेट थी वो थी 20th अप्रैल, ठीक है. तो अगर मैंने अपनी रिटर्न 20th अप्रैल तक तो फाइल कर दी, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट कोई लेट फीस नहीं लगेगा. लेकिन अब मैंने 20th अप्रैल से डिले किया और मैंने डिले कितने का किया, मैंने सपोज 15 दिन का 15 डेज का डिले किया, ठीक है. तो उस केस में मेरे ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट लगना होगा तो वो 9% का इंटरेस्ट लगेगा. अच्छा जी, और उसके बाद व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आप उसके बाद 15 दिन के बाद डिले करते हो तो यहाँ पे आपका 18% का इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है. तो ये तो थी आपकी पहली जो नोटिफिकेशन का पहला क्लॉज. फिर उसके बाद अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो अब इसमें भी 2 केसेस हो सकते हैं. पहला केस कि आपने QRMP यानी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम को ऑफ किया है. तो अगर आप QRMP के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे मैंने अपना वीडियो में लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं. तो अगर आपने QRMP ऑप्ट किया है तो व्हाट दे आर सेइंग इज, तो मैं आपको एक बार नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ ताकि आप एक बार नोटिफिकेशन के रेफरेंस में ही वही चीज पढ़ लो. तो अब जब आपने QRMP ऑप्ट किया तो ऑब्वियसली आप क्वार्टर की बात करेंगे, है ना. तो अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने QRMP ऑप्ट किया है तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट एप्लीकेबिलिटी कुछ ऐसी रहेगी कि सबसे पहले तो जो ड्यू डेट थी, ड्यू डेट तक आप फाइल कर देते हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेकिन सरकार ने बोला कि भैया आप MSME सेक्टर हो, ठीक है, आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है. तो अगर आप ड्यू डेट से 15 दिन तक का डिले करते हो तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. अच्छा, उसके बाद 15 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद थोड़ी और टाइम दिया, 15 दिन के बाद आपके ऊपर 9% का इंटरेस्ट लगेगा. और अगर आप डिले करते हो तो उस केस में आपके ऊपर फिर नॉर्मली 18% का इंटरेस्ट चार्ज होगा. अच्छा, आप एक चीज और मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई MSME QRMP को ऑप्ट ना करे, तो क्या उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो उस केस में भी इन्होंने हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया है कि अगर आपने आपका टर्नओवर यहाँ पे 5 करोड़ से कम है तो आपके केस में भी ड्यू डेट से लेके 15 दिन तक कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. फिर 16वें दिन से लेके जो आपका 30th डे होगा उसके ऊपर आपको 9% इंटरेस्ट देना होगा, एंड उसके बाद आपके ऊपर 18% का इंटरेस्ट लगेगा. सो बेसिकली ये जो इन्होंने एडवांटेज दिया है, ये आपका सबसे अच्छी चीज है. ये टर्नओवर बेस्ड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने QRMP को ऑप्ट किया है या नहीं किया. तो ये तो थी आपकी पहली नोटिफिकेशन. अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कि आगे की नोटिफिकेशंस क्या कहते हैं. ओके, तो अब ये जो अगली नोटिफिकेशन है, अगेन इट इज रिलेटेड टू लेट फीस. तो इसमें भी यही है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में अगर आप अपना अपना जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से लेके 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपके
के ऊपर कोई लेट फीस नहीं लगेगा, और यही 15 दिन को डबल कर दिए, 30 डेज कर दिया है। अगर आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है, यानी अगर आप एक छोटे टैक्स पेयर हैं, स्मॉल टैक्स पेयर हैं, तो आप ड्यू डेट से लेके 30 दिन तक के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर कोई लेट फीस नहीं चार्ज होगा। अच्छा, ये सारी जो नोटिफिकेशंस हैं इनकी एप्लीकेबिलिटी कब से है? अभी ये वाली जो नोटिफिकेशन है इसकी एप्लीकेबिलिटी जो होगी वो 20th अप्रैल से, क्योंकि अगर मैं ऑल दो 20th अप्रैल अब जा चुकी है, बट जो मार्च की ड्यू डेट थी वो 20th अप्रैल है। और बहुत टाइम से पीपल वर आस्किंग कि आप ड्यू डेट एक्सटेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंट्री में सिचुएशन बहुत खराब है कोविड की वजह से, और आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लगा है जिसकी वजह से प्रोफेशनल्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज फाइनली सरकार ने ये सारी चीजों को नोटिफाई। अच्छा, आप नोटिफिकेशन 10 देख लेते हैं। सो अगेन दिस इज फॉर GSTR 4। GSTR 4 किस लिए फाइल होता है? अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है तो उस केस में आपको GSTR 4 फाइल करना था। यहाँ पे जो फॉर्म फाइल होना था वो फाइनेंशियल ईयर 2021 का फाइल होना था, और इसकी जो ड्यू डेट थी वो जो ड्यू डेट थी वो 30th अप्रैल थी, ठीक है? तो इसको भी इन्होंने एक्सटेंड करा, इसको अब आप 31 मई तक फाइल कर सकते हो। तो ये एक कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आपने ऑप्ट किया है तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या नोटिफिकेशन है। अच्छा, अब ITC 4 की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ITC 4 किस केस में फाइल होता है? तो अगर आप जॉब वर्क के पास से अगर आप अपना सामान डिस्पैच कराते हैं, रिसीव करते हैं, तो उस केस में आपको ITC 4 का रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो इसकी भी जो ड्यू डेट है उसको अप टू 31 मई एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, तो लेट सी द नेक्स्ट नोटिफिकेशन नाउ। अच्छा, अगर मैं अगली नोटिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे हम GSTR 1 की बात कर रहे हैं। तो GSTR 1 के ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 26 ऑफ द मंथ ऑफ द सक्सीडिंग टैक्स पीरियड। तो यहाँ पे इन्होंने जो एक्सटेंशन दिया है वो अप्रैल का एक्सटेंशन दिया है, मार्च का इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है। अप्रैल का एक्सटेंशन दिया क्योंकि मार्च की तो ड्यू डेट वैसे भी जा चुकी है, तो यहाँ पे इन्होंने अप्रैल के लिए एक्सटेंशन दिया है। ओके, अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट है, अब ये रूल्स है, रूल्स में क्या चेंज आया है। तो हमारा एक 36 सब रूल 4 है जो कि कहता है कि जब आपको GSTR 3 भी फाइल करना होगा तो आपको अपनी फॉर्म GSTR 2B से रिकंसिलेशन करना होगा कि, और जो आपका ITC फॉर्म GSTR 2B में है आप वही ITC ले सकते हो या फिर उसका 105% तक इनपुट ले सकते हो। ये तो आपका रूल 36(4) कहता है। तो इसमें भी रिलैक्सेशन दिया है, तो रिलैक्सेशन क्या है कि अप्रैल और मई के लिए आपको रिकंसिलेशन करने की जरूरत नहीं है। अप्रैल और मई के लिए इन्होंने रूल 36(4) का रिलैक्सेशन दिया है, और फिर इसका क्यूमुलेटिव जो एडजस्टमेंट होगा वो आप एक साथ करेंगे, यानी जब आप मई की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप अप्रैल और मई दोनों मंथ्स का आप क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से अप्रैल के मंथ में आपको रिलैक्सेशन मिल गई है। तो ये तो थी फॉर द रूल 36 सब रूल 4। अब आगे देखते हैं अगली नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन है सो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि शायद डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा जरूरी है, तो इन्होंने क्या किया है कि कुछ कंप्लाइंसेस की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया है, लेकिन उसमें से इन्होंने कुछ स्पेसिफिक कंप्लाइंसेस, जैसे अगर मैं सेक्शन 39 की बात करूं जो कि रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड है, या फिर अगर ई वे बिल की बात करूं, तो ये सारे कंप्लाइंसेस को एक्सक्लूड कर दिया है। तो देखा जाए तो जो डिपार्टमेंट के कंप्लाइंसेस होते हैं, जैसे नोटिस भेजना, इंटीमेशन भेजना, कोई इन्होंने ऑर्डर वगैरह पास करना था, तो उससे रिलेटेड अगर कोई कंप्लाइंस इसको इनको करना था तो उसकी ड्यू डेट को भी इन्होंने 31 मई 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है ये जान के रखना कि जो 31 मई तक जो कंप्लाइंसेस
का एक्सटेंशन हुआ है, ये ऐसा नहीं कि सारे कंप्लाइंसेस एक्सटेंड हो गए, इसी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, तो आप जब भी ये देखें तो ये एक्सेप्शंस जो हैं वो ध्यान में रखें। ओके, तो लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट नोटिफिकेशन। ओके, सो अगेन ये जो अगला नोटिफिकेशन है ये इंटीग्रेटेड टैक्स का है, तो ये वही सेम नोटिफिकेशन है इंटरेस्ट का जो हमने सेंट्रल टैक्स का पढ़ा था, ये यही सेम नोटिफिकेशन इंटीग्रेटेड टैक्स में भी आया है। और अगर मैं अगले नोटिफिकेशन की बात करूं तो जो अगला नोटिफिकेशन है मेरा वही सेम नोटिफिकेशन है जो कि सेंट्रल टैक्स में आया था विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट, वही सेम जो आपका एक्सटेंशन है वो इन्होंने यूनियन टेरिटरी टैक्स के लिए भी नोटिफिकेशन निकाला है। तो फ्रेंड्स दीज वर द नोटिफिकेशंस जो आई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं, आप लोगों को जरूर ये सारी डाउनलोड करके पढ़नी चाहिए। एंड आई होप इससे जो भी टैक्स पेयर्स हैं, जो भी टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये इन नोटिफिकेशंस को यूजफुल मानेंगे और इनसे इन नोटिफिकेशन से इन एक्सटेंशन से उनको कुछ हद तक राहत मिलेगी। So this was what I wanted to discuss with you. So I hope आपको ये information relevant लगी। अगर आपको ये video अच्छा लगा तो please like कीजिए, इसे share कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए। Thank you very much friends. Have a nice day.